ओके सो लेट्स स्टार्ट अनदर लेक्चर शॉडिंगर इक्वेसन टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमने दोनों देख ली हैं पर टाइम बाद में तो हम केवल टाइम इंडिपेंडेंट वालों से डील करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेकिन अभी कुछ टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स से कुछ इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट्स अभी हमें कंक्लूड करने हैं सो लेट्स गो अबाउट दैट अभी तक हमने ये किया ये है शॉर्डिंगस टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ओके हेमल्टोनियन वे फंक्शन विज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज एक्ल टू आई टाएच क्रॉस डेल्स आई बाई डेल्टी ओके ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन हैमल्टोन ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर ओके अच्छा अब एक बेसिक फीचर जो शॉर्डिंग टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के पास है उसको हम डराइव करेंगे जो कि है सुपर पोजिशन <coughs> यहाँ पर एक शब्द आएगा आप सुनेंगे इसमें लीनियर ऑपरेटर्स ओके लीनियर ऑपरेटर्स बेसिकली ये हैं ये ये चीज़ मैंने नीचे पे लिखी हुई सो लेट्स वहाँ पर डिस्कस करेंगे से <coughs> हमारे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए आपको दो वे फंक्शंस फॉर अ गिवन हैमिल्टोनियन आपको दो टाइम डिपेंडेंट वे फंक्शंस मिले हैं वन ऑफ दैम इज साई एंड इज साई बी तो एच साई ए इक्वल टू ई साई ए एंड एच साई बी इक्वल टू ई साई बी ये होल्ड करेगा तो अगर अब हम एक मैथमेटिकली से एक कंस्ट्रक्ट करें एक नया वे फंक्शन या नई स्टेट जो कि इस फॉर्म की है सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी यहाँ पे सी ए और सी बी आर सम कोफिशेंट्स कॉन्स्टेंट कोफिशंट इन जनरल क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं तो हमने एक नई स्टेट कंस्ट्रक्ट की है समथिंग लाइक like, मैं उसे सुपरपोज स्टेट कहूँगा साई एस इक्वल टू सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी दो सॉल्यूशंस हमको शॉर्डिंगर इक्वेशन के मिले अब हम उनको सुपरपोज कर रहे हैं तो ये सुपर पोजिशन भी ये सॉल्यूशन है या नहीं अभी हमको ये गारंटी नहीं है ये सॉल्यूशन है तो उसे हम चेक कर रहे हैं तो हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इस सुपर पोज स्टेट पर ऑपरेट करके देखते हैं सो लेट्स सी वट वी गेट तो लीनियर ऑपरेटर यहाँ पर क्लियर है कोई भी ऑपरेटर लीनियर तब होगा अगर उसका एक्शन इस तरह से होता है एच एक्टिंग ऑन सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी बराबर ये जो कोफिशेंट है पहला वाला सी ए ये बाहर आ जाएगा और एच एक्ट करेगा साई पे सिमिलरली सेकेंड टर्म प्लस एच एक्ट करेगा केवल साई बी पे और सी बी जो कोफिशियंट है वो बाहर आ जाएगा तो क्वांटम uh, मैकेनिक्स में आपको जितने भी ऑपरेटर्स मिलेंगे वो लीनियर ही मिलेंगे ओके okay? एंटी लीनियर से आपका uh, पाला नहीं पड़ेगा यहाँ तो ये हैमिल्टोनियन भी एक लीनियर ऑपरेटर है तो अगर मैं इस सुपरपोज स्टेट पे एच को एक्ट करूँ तो ये इतने के बराबर होता है और हमने पहले ही कहा कि साई ए और साई बी तो हमारे शॉडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन है ही हैं इसका मतलब एच साई ए बराबर ई साई ए है और एच साई बी बराबर है ई साई बी तो अगर मैं यहाँ सब्सिट्यूट कर दूँ ओके अगेन ई भी एक ऑपरेटर है यहाँ पे और वो लीनियर ऑपरेटर है तो मैं रिवर्स में इस चीज़ को यहाँ पे फिर से ऐसे लिख सकता हूँ ई ऑपरेटर बाहर एक्टिंग ऑन सी ए टाइम्स आई ए प्लस ई ऑपरेटर एक्टिंग ऑन सी बी टाइम्स साई बी देस सो आई रीच ओवर हेयर लेकिन ये आप स्टेट को चेक करें ये स्टेट ये हमारी इनिशियल स्टार्टिंग जो सुपरपोज स्टेट हमने बनाई थी अपने आप कंस्ट्रक्ट की थी ये वो स्टेट है तो आई कैन राइट द राइट हैंड साइड एज ई ऑपरेटर एक्टिंग ऑन दी साई एस स्टेट द सुपरपोज स्टेट सो फाइनली आई गेट इज एच साई एस इज इक्वल टू ई साई एस क्या मतलब है इस चीज का अगर साई ए और साई बी दो सॉल्यूशंस आपके पास श्रॉडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के हैं तो उनका लीनियर सुपरपोजिशन इस फॉर्म का वो भी श्रॉडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ओके okay? और ये केवल दो वे फंक्शंस के लिए नहीं है आप इन जनरल एन नंबर ऑफ वे फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं ओके इन मोस्ट जनरल सुपरपोज स्टेट आपकी कुछ इस फॉर्म की होगी साई एस इज इक्वल टू समेशन ओवर एंड साई सान दिस एस इज़ कैपिटल एस फॉर सुपर पोजिशन लेट्स से एन की वैल्यू जीरो द इंडेक्स रन फ्राम वन टू थ्री फोर टू वट एवर वैल्यूज इन प्रिंसिपल इट कैन रन अप टू इन्फिनिटी एज वेल तो सुपरपोज स्टेट मोस्ट जनरल आपके लिए ये होगी सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री एंड सो एंड सो ऑन तो ये सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स तो क्वांटम मैकेनिक्स का के जो फीचर्स हैं वो इस कारण से निकल के आते हैं ये सुपर पोजिशन को अलाउ करता है ओके लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल दिस माइट नॉट बी एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल बट टू समहाउ कनेक्ट बोर मॉडल में आपने कुछ इस तरह की पिक्चर आपके दिमाग में रहती है बोर मॉडल में ये न्यूक्लियस और इसके बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट एंड सो एंड सो तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो या तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है या सेकंड या तो इस स्टेट में या इस स्टेट में बट क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसी बात हो रही है सिस्टम की स्टेट ऐसी भी हो सकती है C1 वन टाइम्स फर्स्ट स्टेट प्लस C2 टू टाइम्स सेकेंड स्टेट ओके क्वांटम मैकेनिक के नज़रिए से बोलना ठीक नहीं है बट वेरी रफली स्पीकिंग जैसे दोनों स्टेट्स के बीच में कहीं अटका हुआ है कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा इसका सुपर पोजिशन द करेक्ट टर्म इज़ सुपर पोजिशन ये स्टेट एक सुपर पोज स्टेट है सुपर पोजिशन है इन दो स्टेट्स का ओके okay? अच्छा अगर मैथमेटिकल लेवल पे बात करें सुपर पोजिशन एक्चुअली कोई बहुत नया फीचर नहीं है आप लोगों ने पिछली क्लासेस में वेव इक्वेशन पढ़ी होगी वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल समथिंग लाइक दिस डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर यू बींग अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर कोई भी वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशन में इसकी जगह आपके पास डेल स्क्वायर या कुछ ऐसा फैक्टर आ सकता है पर लेट्स लुक एट दिस ये इक्वेशन भी सुपरपोजिशन अलाउ करती है क्योंकि इशेंशियली इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं आप इसको देखने का आसान तरीका ये है आप दोनों टर्म्स को एक तरफ ले आइए तो ये इक्वेशन बेसिकली ये है डेल्ट टू बाई डेल एक्स टू माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर एक्टिंग ऑन यू इज इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड में आपने जीरो कंस्ट्रक्ट कर दिया है ये सब कुछ एक ऑपरेटर है तो बेसिकली इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है सम ऑपरेटर एक्टिंग ऑन यू इज इक्वल टू ज़ीरो तो अगेन अगर इस इक्वेशन के आपको दो सॉल्यूशंस मिलते हैं U1 और U2 ऑपरेटर एक्टिंग ऑन U1 माना आपको जीरो मिला एक सॉल्यूशन और ऑपरेटर एक्टिंग ऑन U2 भी आपको जीरो मिला एक सेकंड सॉल्यूशन तो इट इज़ गारंटीड इफ द ऑपरेटर इज लीनियर कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करें C1 U1 यू वन प्लस सी टू यू टू सी वन और सी टू आर सम कॉन्स्टेंट्स तो ऑपरेटर को इस पर आप एक्ट करेंगे तभी भी आपको जीरो मिलेगा वेरी सिंपली C1 वन फर्स्ट टर्म में बाहर ऑपरेटर एक्टिंग ऑन U1 वन जीरो है C2 दूसरे टर्म में बाहर ऑपरेटर एक्टिंग ऑन U2 भी जीरो है तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो तो वो वही ऑपरेटर U1 के साथ भी अगर राइट हैंड साइड में जीरो दे रहा है U2 के साथ भी जीरो दे रहा है तो C1 वन प्लस सी वन प्लस सी टू यू कॉम्बिनेशन के साथ भी जीरो देगा और वेव्स में आप जानते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होता है वेव्स में जो जो भी फीचर्स आप वेव फीचर्स कहते हैं इंटरफेरेंस और बाकी फिर डिफ्रेक्शन वगैरह वो वो बेसिकली सुपर पोजिशन के कारण ही तो अपेयर होते हैं एम्पलीट्यूड का ऐड होते हैं और फिर इंटेंसिटी उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है एंड सो एंड सो ऑन तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने शुरू में लेक्चर में मैंने कहा था उस दिन ऑडियो डिस्कशन में कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के साथ भी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है तो उसको आप इस सेंस में थोड़ा सी रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ यहाँ सुपर पोजिशन है जो थेरी है नॉन लिट्रिस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स एटलीस्ट जो जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें भी सुपर पोजिशन अलाउड है इसलिए दीज थिंग्स कैन हैपन ओके वन पॉइंट अब इसके बजाय अगर हम इस पर चलें टाइम इंडिपेंडेंट केस में अगर जाएं तो आपको ऐसा लग सकता है कि सिंबॉलिकली टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है टाइम इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन है ये हमारा हैमिल्टोनियन है, है इस समय यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है ये कंप्लीट डेरिवेटिव है क्योंकि अब सब कुछ केवल एक्स का फंक्शन है जिस फंक्शन को पहले तक एफ़ एक्स लिख रहा था स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन अब मैं उसे सिंपली फाई एक्स लिख रहा हूँ अभी टाइम uh, डिपेंडेंट वाला साई और टाइम इंडिपेंडेंट वाला फाई तो हमारी शॉर्डिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वाली इस तरीके की है और साई का जो फाई से रिलेशन होता है साई इज़ इक्वल टू जिसे हमने एफ़ इन जी लिखा था एफ़ की जगह फाई लिखा है मैंने और जी की वैल्यू आपको पता इतनी होती है तो इस इक्वेशन को शॉर्ट हैंड में मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन इज इक्वल टू वेव फंक्शन रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर आइगन वैल्यू इक्वेशन बट जब हम आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें एक से ज़्यादा आइगन फंक्शन और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज मिलेंगे ऐसा मेट्रिक में भी होता है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स की तीन आइगन वैक्टर तीन आइगन वैल्यू फोर बाई फोर के एंड सो एंड सो ऑन तो यहाँ पर भी आपको केवल एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस इक्वेशन का एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इन जनरल आपको मिलेंगे कभी कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे तो लेट मी लेबल द एनएथ सोल्यूशन बाई एन तो एनएथ वाला जो वे फंक्शन है तो से इसका मतलब एच फाइव वन पे एक्ट करेगा तो ई वन फाइव वन एच फाइव टू पे एक्ट करेगा ई टू फाइव टू एच फाइव थ्री पे एक्ट करेगा ई थ्री फाइव थ्री ओके ये सिम्बॉलिकली अगर आप अभी समझना चाहें हाइड्रोजन आटम का आपको आइडिया है हाइड्रोजन आइटम के एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे होते हैं ग्राउंड स्टेट लेवल माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो एंड सो ऑन जो बाउंड स्टेट्स होती हैं एंड इनफाइनइट नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू इन्फिनिटी तो ये एन इक्वल टू वन ये एन इक्वल टू टू एंड सो एंड सो ऑन इस स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा हम बाद में इसे करेंगे कैलकुलेट इस स्टेट का वेव फंक्शन आपका कुछ फाइव वन टाइप का होगा और ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये ई वन है ऐसे इस स्टेट का वेव फंक्शन कुछ होगा फाइव टू वो ये इसकी करस्पोंडिंग एनर्जी एंड सो एंड ऑन तो अभी हमने टाइम डिपेंडेंट केस में देखा कि सुपरपोजिशन होता है सॉल्यूशंस को सुपरपोज करें कंबाइन करें तो आपको एक नया सॉल्यूशन मिलता है बट तो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें एच साई इक्वल टू ई साई ये भी है एच फाई इक्वल टू ई फाई ये भी है तो आपको लग सकता है कि यहाँ भी शायद सुपरपोजिशन होगा ओके ओके बिफोर दैट आप अगर जब अलग अलग फाइव और ई निकालेंगे फाइव वन ई वन तो फाइव वन और ई वन को इस कॉम्बिनेशन में रख के आपको एक टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा फाइव टू ई टू में दूसरा एंड सिमिलरली फाइव ई एन ई एन जितने भी आपके टाइम इंडिपेंडेंट के सॉल्यूशंस हैं उनके साथ ये जो फैक्टर है जिसे हम फेज़ फैक्टर कहते हैं टाइम डिपेंडेंट फेज़ फैक्टर टाइम जो है इन सारी प्रॉब्लम्स में केवल फ़ेज़ की तरह अपेयर हो रहा है ओके कंप्लीट सॉल्यूशन साई का आप लिखना चाहें तो उसमें हर जगह ये जो टी है ये केवल फेज फैक्टर में आता है इसे हम फेज फैक्टर कहेंगे कि फेज फैक्टर की फॉर्म में आता है ओके यस बट नाउ लेट्स चेक क्या यहाँ पे भी सुपर पोजिशन पॉसिबल है तो माना आपके पास दो फाइव थे एक फाइव वन और फाइव टू एच फाइव वन इक्वल टू ई वन फाई वन और एच टू बराबर ई टू टू से फॉर एग्जाम्पल तो अगर मैं एच को एक सुपरपोजिशन मैथमेटिकली एक सुपरपोज स्टेट बना के उस पर ऑपरेट करूँ एच को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ सी वन फाइव वन प्लस सी टू फाइव टू पे तो लेट सी वट आई गेट इन दिस केस सी वन बाहर एच एक्टिंग ऑन फाइव वन और एच एक्टिंग ऑन फाइव वन होगा ई वन फाइव वन तो वो वैल्यू यहाँ रख दी सिमिलरली सेकेंड टर्म में सी टू बाहर एच एक्टिंग ऑन फाइव टू ई टू फाइव टू ओके बट ये ई वन और ई टू अलग अलग हैं ये एनर्जी की वैल्यूज़ हैं उन दो अलग अलग लेवल्स की ये दोनों बराबर नहीं हैं तो आप यहाँ इसे कॉमन नहीं ले सकते हैं ताकि बाद में फिर ये बच जाए इसको आप कंपेयर कीजिए यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ दोनों टर्म्स में इनर्जी ऑपरेटर था राइट हैंड साइड की क्वांटिटी इनर्जी ऑपरेटर थी जो कि आई टैच कॉस डेल बाई देल टी होती है तो तो वो एनर्जी ऑपरेटर दोनों जगह से बाहर आ गया लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए सुपरपोजिशन वर्क नहीं करेगा यहाँ पर हाँ केवल एक पर्टिकुलर केस हो सकता है अगर E1 वन बराबर ई हो जिन स्टेट्स को आपने सुपरपोज करने की कोशिश की है अगर उनकी एनर्जी आइगन वैल्यू बराबर है माना ये भी E1 और ये भी E1, तब E1 वन कॉमन आ जाएगा और तब आपको फिर से ये मिल जाएगा तो तब उस समय क्या हो रहा है H एक्टिंग ऑन सुपरपोज स्टेट इक्वल टू E सुपरपोज स्टेट फिर से आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल रही है तो वो भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा लेकिन वो एक बहुत पर्टिकुलर केस है स्पेसिफिक केस है जनरल केस नहीं है जब डी उसे हम डी कहेंगे जब कुछ स्टेट्स की एनर्जी बराबर होती है तो उसे हम डी कहते हैं जैसे हाइड्रोजन आइटम में जिन्हें आप ऑर्बिटल्स कहते हैं तो एक ही एन के करस्पॉन्डिंग आपके एस पी ऑर्बिटल्स वगैरह होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है तो वो आ, उसे हम कहते हैं डी तो अगर डी स्टेट्स को आप सुपरपोज करें तब तो इस लेवल पर भी इस लेवल से मेरा मतलब टाइम इंडिपेंडेंट लेवल पर भी आपको आप सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं बट अदरवाइज सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं होता इसे इस तरह से बोलना चाहिए यहाँ हमेशा सुपरपोजिशन पॉसिबल है यहाँ सुपरपोजिशन पॉसिबल नहीं है लेट मी से इट दिस वे ओके तो एक चीज़ ये है तो रिपीटिंग अगेन uh, जो क्वांटम uh, मैकेनिक्स आप ध्यान कीजिए क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से आई थी वेव पार्टिकल डुअलिटी हर चीज़ के पास वेव नेचर है और वेव्स में सुपरपोजिशन होता है जो ऑर्डनरी वेव्स हमारी होती हैं जिनकी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है से वन डायमेंशनल वेव इनमें भी सुपरपोजिशन होता है इन वेव्स में इन वेव्स में सुपर पोजिशन होता है तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी सुपर पोजिशन हैपन्स बट यहाँ पे जो गवर्निंग इक्वेशन है वो वेव इक्वेशन ना होके श्रॉडिंगर इक्वेशन है बट श्रॉडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी सुपर पोजिशन को अलाउ करती है वन फैक्ट और दूसरा हम एक जो छो, छोटा सा टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ क्वान्ट्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये शब्द है शायद आपने और जगह भी सुना होगा सुना होगा डेफिनेटली सुना होगा इनफैक्ट लेट मी फर्स्ट डू द मैथमेटिक्स ये मैंने श्रॉडिंगल्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखी है ओके माइनस एक्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी मैंने थ्री डायमेंशनल केस के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है आप पहले वन डायमेंशनल केस के लिए कीजिए फिर आप थ्री डायमेंशनल केस पे जाइए मैं सीधे थ्री डायमेंशनल केस पे जा रहा हूँ पोटेंशियल इन जनरल फंक्शन ऑफ आर आर मीन्स एक्स वाईज एड एंड टी एंड दिस ओके अब मैंने क्या किया लेट मी नंबर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन मैंने इस इक्वेशन का ले लिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट ओके ये रियल पार्ट है डेल स्क्वायर का कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट नहीं तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेशन का वी जो हमारा पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी इनफैक्ट वी स्टार इज इक्वल टू वी पोटेंशियल एनर्जी हमें हमारी रियल होगी तो उसका स्टार लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रियल क्वांटिटी का स्टार फिर से उसी के बराबर जस्ट टू एड अ पॉइंट जितने पोटेंशियल्स आप इनकाउंटर करेंगे वो सारे रियल होंगे ओके okay? क्वांटम मैकेनिक्स में कई कभी, कभी कभी हम इमेजिनरी पोटेंशियल्स की बात भी करते हैं स्कैटरिंग थ्योरी में जब एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे इमेजिनरी पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बट आपको उसमें अब जाने की जरूरत नहीं है अभी ओके okay? अभी आ, हमारा पोटेंशियल क्या है रियल तो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुवेट लूँ इस पार्ट पर कोई फर्क नहीं साई क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन मोस्ट जनरली हमारा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो अगर मैं इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ ओके तो आ, साई की जगह साई स्टार और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन आईटा की जगह माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाय डेल्टी और साई की जगह साई स्टार सो दिस इज व्हाट आई गेट शॉर्डिंग इक्वेशन शॉडिंगर इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन और टू मैंने इनको लेबल किया है अब हम यहाँ क्या करते हैं जो जिस इक्वेशन में साई है फर्स्ट इक्वेशन शॉर्डिंग इक्वेशन उसको हम साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं और जो सेकंड इक्वेशन जिसमें साई स्टार आया है उसको हम साई से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई साई स्टार एंड टू बाई साई अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा कन्वेंशन बताना चाहूँगा ये एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है बट आप ये प्रैक्टिस रखें तो ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा जब आप ब्राक एट फार्मोलिज्म जब फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मुलिज्म आपको हेल्प करेगा आप ये कोशिश कीजिए आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में अगर साई si स्टार और साई si आते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो कोशिश कीजिए साइज स्टार को आप लेफ्ट में रखें और साई को राइट right में रखें ओके okay? ये यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पे हमारे साइज स्टार और साई सिंपली फंक्शंस हैं तो आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में रखें आप साइज स्टार साई लिखें या साई साइज स्टार एक ही बात है बट इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू राइट इट लाइक दिस स्टार कॉन्जुकेट क्वांटिटी लेफ्ट में और अनकॉन्जुकेटेड क्वांटिटी राइट में ओके इट्स गुड प्रैक्टिस तो अगर मैं ऐसा करूँ तो मैंने कहा मैं अब क्या कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में साई है इसको मैं साई स्टार से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस इक्वेशन को अगर मैं साई स्टार से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप उस साइज स्टार को मैं लेफ्ट में लिखूंगा हर टर्म के तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस एच क्रॉस बाई टू एम डेल स्क्वायर साई पहले से था इस इक्वेशन में और साइज स्टार से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सेकेंड टर्म में वी और साई si पहले से था और साइज स्टार से मैंने मल्टीप्लाई किया साइज स्टार को अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सब फंक्शंस हैं मैं इन्हें कहीं भी लिख सकता हूँ साई स्टार को यहाँ भी लिख सकता हूँ यहाँ भी लिख सकता हूँ इधर भी लिख सकता हूँ बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट इट लाइक दिस सिमिलरली जो राइट हैंड साइड का टर्म है साई स्टार से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को तो आई एच क्रॉस और साई स्टार डेल साई बाई डेल टी यहाँ पे आ, आते आते मैंने अलग अलग जो वो है साई और वी उनकी जो डिपेंडेंस है आर और टी पे उसको सप्रेस कर दिया है ओके okay? सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है जो साई स्टार के लिए मिली थी हमें उसको मैं साई से मल्टीप्लाई करता हूँ और साई से मैं मल्टीप्लाई मैं कह रहा हूँ मैं राइट right से करूँगा जरूरी नहीं है बट साई को राइट right से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म पहले से इतना है माइनस एच क्रॉस बाई टू एम डेल स्क्वायर ऑफ साई स्टार पहले से है उसको साई से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरा टर्म वी साई स्टार पहले से था और उसको हमने साई से मल्टीप्लाई कर दिया और तीसरा राइट हैंड साइड का टर्म माइनस आईटा एच क्रॉड डेल साइज स्टार बाई डेल्टी पहले से था साई से मल्टीप्लाई किया सो मल्टीप्लाईंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय साई स्टार एंड सेकंड बाय साई अब आपके पास ये दो इक्वेशंस जो आई है अगर आप इन इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लें तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट तो सबसे पहली चीज़ जो हो रही है ये जो पोटेंशियल वाला टर्म है जिसमें वी आ रहा है दिस टर्म कैंसल्स आउट ये टर्म दोनों जगह से आपको सेम मिल रहा है तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये टर्म खत्म हो रहा है और बाकी जो टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा करें इन दोनों टर्म्स में माइनस एच क्रॉस बाई टू एम कॉमन फर्स्ट टर्म से साई स्टार डेल स्क्वायर साई और सब्ट्रैक्ट किया है माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार साई मैंने क्लैरिटी के लिए डेल स्क्वायर जिस चीज़ पे एक्ट कर रहा है उसके अराउंड ब्रैकेट्स भी लगाए हैं इस इस वाले टर्म में तो जैसे ये ज़रूरी नहीं था लेकिन इस वाले टर्म में अगर आप इसे सिंपल लिखते हैं डेल स्क्वायर साई स्टार साई तो ऐसा लग सकता है कि डेल स्क्वायर ऑपरेटर साई स्टार इन साई पूरे मल्टीप्लिकेशन पे एक्ट कर रहा है तो क्लैरिटी रखने के लिए आप भी ये अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप इसे इस तरह से लिखें एटलीस्ट इस टर्म में इस वाले में तो जरूरी नहीं था पर इस वाले में ये लिखना बेहतर होगा आप इसे इस तरह से लिखें ओके और जो हमने सब्ट्रैक्शन किया उसे राइट हैंड साइड में फॉलो करें तो यहाँ ये नीचे वाला टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया आई टाइच क्रॉस कॉमन फर्स्ट टर्म साई स्टार डेल साई बाई डेल्टी दूसरा टर्म डेल साई स्टार डेल्ट बाई डेल्टी साई इस टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें ये जो ये टर्म है ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ओके ऐसा कैसे लिख सकते हैं बेसिकली ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल आपने छोट पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो एक रिज़ल्ट आता है अगर डेल डॉट ऑफ एफ़ ऑफ़ ए आप ले रहे हैं एफ़ कोई स्केलर फंक्शन है ए कोई वेक्टर फंक्शन है आपने स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई किया ओवरऑल ये वेक्टर नेचर का बनता है तो इसका आप डाइवर्जेंस ले सकते हैं डेल डॉट एफ़ ए आप ले सकते हैं तो ये इतने के बराबर होता है डेल ऑफ़ एफ़ ग्रेडियंट ऑफ एफ़ डॉट ए और दूसरी बार आता है एफ़ टाइम्स डेल डॉट ए अगर आप स्केलर इंटू वैक्टर का डाइवर्जेंस लें तो वो इतने के बराबर बनता है पहले जो हमारा स्केलर पार्ट है उसका ग्रेडियंट और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के साथ और फिर एफ टाइम्स स्केलर टाइम्स द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर इट्स ओके तो ये रिलेशन यहाँ पे किस तरह से यूज़ हो रहा है यहाँ पे जो ये टर्म्स हैं जो नीचे वाली लाइन में जो ये टर्म्स लिखे गए हैं इनमें एक टर्म तो, तो बिना डेल के है तो ओके लेट मी जनलाइज दिस एक्सप्रेशन अगर आप इसे इस इक्वेशन को इस केस में जनरलाइज करें एफ और ये वेक्टर ए की जगह खुद अगर डेल ऑफ जी हो कोई जी को स्केलर फंक्शन है और आपने उसका ग्रेडियंट लिया तो स्केलर का ग्रेडियंट आपका फिर से वेक्टर फंक्शन होता है तो ये ए जो वेक्टर फंक्शन है ये खुद अगर डेल जी फॉर्म का हो तो उस केस में ये रिलेशन कैसा बनेगा डेल एफ पे कोई फ़र्क नहीं डॉट ए की जगह हमारा डेल जी है तो डेल ऑफ जी प्लस एफ पे कोई फर्क नहीं डेल डॉट एक की जगह है हमारा डेल ऑफ जी और डेल डॉट डेल जी होता है डेल स्क्वायर ऑफ जी ओके तो ये रिलेशन अगर आप यहां पे अप्रोप्रिएटली यूज करें रिवर्स में आप बेटर है यहां से स्टार्ट करें डेल डॉट फर्स्ट टर्म में ये एफ और ये डेल जी की तरह और सेकंड टर्म में जब ये ऑपरेट करेगा ये एफ और ये डेल जी की तरह तो आप इसको ऑपरेट करें तो आपको दो टर्म यहां से मिलेंगे दो टर्म यहां से मिलेंगे चार टर्म चार टर्म में से एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा जो यहाँ से जनरेट होगा और बाकी ये वाले टर्म्स बचेंगे सो दिस इज़ हाउ यू डू इट और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है आप जब मैंने इसीलिए शुरू में कहा था आप इसका वन डायमेंशनल वर्जन ट्राई कीजिए जब आप इसका वन डायमेंशनल वर्जन करेंगे तो ये जो डेल स्क्वायर वगैरह होंगे इनकी जगह केवल डी टू बाई डी एक्स टू टाइप के टर्म्स आएंगे तो तब आप देख सकते हैं कि uh, uh, वहाँ पे ये करना थोड़ा आसान रहेगा ओके सो यू ट्राई इट फॉर यूर अच्छा तो ये जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में टर्म था इसको मैं माइनस एच क्रॉस बाई टू एम डेल डॉट ऑफ समथिंग लिख सकता हूँ ये समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है किसी चीज़ का डाइवर्जेंस डेल डॉट इज डाइवर्जेंस और राइट हैंड साइड के टर्म को आप देखें तो राइट हैंड साइड टर्म एक बार साई का डिफ्रेंशन हो रहा है एक बार साई स्टार का हो रहा है तो बेसिकली ये डेल बाई डेल टी है साई स्टार साई का ओके यू कैन सी इट वेरी इजिली इस इक्वेशन को थोड़ा अगर हम रीअरेंज करके लिखें दोनों टर्म्स को एक तरफ ले आएँ ओके okay? इस टर्म को भी इधर ले जाएं और आई टाइच क्रॉस से पूरी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दें तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी ले सकते हैं यह सारा कांस्टेंट है एच क्रॉस बाई टू एम उस साइड जाके प्लस हो गया है और आईटा एच क्रॉस से आपने डिवाइड किया तो एच क्रॉस कैंसिल हो गया और आईटा डिनोमीटर में आ गया ये सब कांस्टेंट है इसे आप डेल के अंदर भी ले जा सकते हैं कांस्टेंट को कहीं भी रखें तो डेल डॉट ऑफ ये कांस्टेंट इनटू यही वाली क्वांटिटी साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई अगेन मैंने इस क्वांटिटी पे ब्रैकेट लगाया है क्लैरिटी के लिए डेल ने केवल साई स्टार पे ऑपरेट होना है साई पे ऑपरेट नहीं होना है इस वाले टर्म में क्लैरिटी के लिए प्लस से ये जो दूसरा टर्म है इसका आई टा क्रॉस से हमने डिवाइड कर दिया तो वो खत्म हो गया डेल बाई टी ऑफ साई स्टार साई अब आप इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर देखिए इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर इस फॉर्म का है डेल डॉट ऑफ समथिंग प्लस डेल बाई टी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू जीरो इन समथिंग को का अगर हम नाम रख दें इस पूरी क्वांटिटी को अगर हम जे कहें जे जे को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है एच क्रॉस बाई टू आई टाइम साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई ये क्वांटिटी इसे अगर मैं जे कहूँ तो ये फर्स्ट टर्म है डेल डॉट जे जे एक वेक्टर क्वांटिटी होगी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि किसी साई और साई स्टार स्केलर फंक्शंस होते हैं तो यहाँ पे आप उसका ग्रेडियंट ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी एक वेक्टर फंक्शन बनेगी तो जिस चीज़ को मैंने जे डिफाइन किया है वो एक वैक्टर फंक्शन है सो दिस फर्स्ट टर्म इज डेल डॉट जे वैक्टर फंक्शन जे प्लस साई स्टार साई वैसे आप क्लासेस से जानते हैं ये हमारी पोजिशन प्रॉबिलिटी डेंसिटी है तो बट लेट मी कॉल इट रो डेल रो बाई डेल्टी ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स हमने क्वांटम मैकेनिक्स में डिराइव की है बट होपफुली आपने ये एटलीस्ट एक या दो जगह अपने प्रीवियस स्टडीज़ में देखी होगी एक आपने इसे इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में इनकाउंटर किया होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओके उसको उसका डिस्कशन मैं अभी करता हूँ बट फॉर द टाइम बींग मैंने यहाँ पे रो डिफाइन किया है साई स्टार साई पोजिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जे जो क्वांटिटी है वो इस तरह से डिफाइन की गई है ओके okay? जे को समझने के लिए अगर आप वन डायमेंशनल केस करें तो ठीक है नहीं तो आप यहाँ पे भी जे जो है उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं जैसे जे का अगर आप केवल एक्स कंपोनेंट लें तो वो बाकी टर्म्स तो ठीक रहेंगे डेल का केवल एक्स कंपोनेंट जो कि होता है डेल बाय डेल एक्स तो आपको मिलेगा एच क्रॉस बाय टू आई टाइम साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई स्टार साई जे का वाई कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पर डेल बाय डेल वाई हो जाएगा यहाँ पर भी डेल बाय डेल वाई हो जाएगा एंड सिमिलरली तो जे जो है जे का नाम जो हम कहेंगे हम कहेंगे प्रॉबिलिटी करेंट डेंसिटी रो का नाम है पोजिशन प्रॉबिलिटी डेंसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और जे का नाम जो है इसका नाम होगा प्रॉबलिटी करेंट डेंसिटी ओके जे को लिखने का हमारे पास एक दूसरा फॉर्म भी होता है उसको भी मैं यहाँ पे लिख दूँ आप ये जे इज़ कंपोज ऑफ टू टर्म्स इनमें से पहला टर्म है एच क्रॉस अपॉन टू आई एम साई स्टार डेल साई ये क्वांटिटी इन जनरल कॉम्प्लेक्स होगी तो माना मैं इसे z से रिप्रेजेंट करूं इस फर्स्ट टर्म को मैंने z लिखा जे में जो फर्स्ट टर्म है कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे उसके वेक्टर नेचर वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ जस्ट कॉम्प्लेक्स uh, क्वांटिटी के वो देख रहा हूँ अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्यूब्यूट लूँ जेड स्टार तो वो बनेगा एच क्रॉस और आई का के कारण माइनस सो माइनस एच क्रॉस ओवर टू आई टा और साई स्टार का स्टार हट जाएगा और डेल साई वाले पे आ जाएगा स्टार अगर आप चेक करें ये जे का एग्जैक्टली exactly सेकेंड वाला टर्म है एच क्रॉस अपॉन टू आई टा है एक माइनस साइन है और डेल साई स्टार और साई ऑर्डर अनइम्पॉर्टेंट है कहीं भी लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है ये तो ये जो हमारी जे है अगर मैं इसे जेड की फॉर्म में लिखूं जे बेसिकली जो है मैं जे पे वेक्टर नहीं लगा रहा हूं इस समय ओके वो सिंपली है जेड प्लस जेड स्टार प्लस माइनस साइन ऑटोमेटिकली इसमें आ रखा है इसलिए जेड प्लस जेड स्टार अब अब अगर, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है से ए प्लस आईटा बी टाइप की देन यू नो दैट जेड प्लस जेड स्टार इज सिंपली कॉम्प्लेक्स पार्ट कैंसिल हो जाता है ट्वाइस ए ट्वाइस ए मतलब ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ जेड ओके कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करें तो आपको रियल पार्ट का ट्वाइस मिलता है तो ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड तो इस, इस, इस उसके कारण रिलेशन के कारण मैं यहाँ पे जो जे का एक्सप्रेशन है उसे एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ वो है किसका ट्वाइस दी रियल पार्ट ऑफ z और z हमने किसे डिफाइन किया यहाँ पे h क्रॉस अपॉन टू आइटा एम साई स्टार डेल साई ओके ये किस, कितने के बराबर है इस टू को आप अंदर भी ले जा सकते हैं ये इस टू के साथ कैंसिल सो दिस इज़ एच क्रॉस ओवर आइटा एम साई स्टार डेल साई का रियल पार्ट ओके ये क्वांटिटी क्या है इसको ज़रा देखने की कोशिश करें एच क्रॉस ओके लेट मी राइट इट दिस वे पहले साई स्टार फिर एच क्रॉस डेल अपॉन आइटा एम और फिर साई अभी एच क्रॉस डेल अपॉन आइटा एम क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा मोमेंटम का ऑपरेटर थ्री डायमेंशनल केस में माइनस आइटा एच क्रॉस डेल होता है पी एक्स का ऑपरेटर माइनस अटैच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स पी वाई माइनस अटैच क्रॉस डेल बाई डेल वाई एंड सिमिलरली जेड तो उन तीनों को कंबाइन करें तो माइनस अटैच क्रॉस डेल थ्री डायमेंशन में मोमेंटम का ऑपरेटर आपका ये होता है माइनस अटैच क्रॉस डेल अगर आप एक वेलोसिटी ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे पॉसिबली वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स से जो डेफिनेशन है पी अपॉन एम मोमेंटम को मास से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑपरेटर वुड बी समथिंग लाइक पी का ऑपरेटर बटे एम का ऑपरेटर बटे एम इज़ माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई एम आइटा को अगर आप डिनोमीटर में ले आए एक आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो एच क्रॉस डेल बाई आइटा एम ही वेलोसिटी का ऑपरेटर है तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे हमें मिली थी एच क्रॉस डेल अपॉन आईटा एम ये वेलोसिटी का ऑपरेटर है सो साई स्टार वी साई ओके okay. तो जे को जो एक्सप्रेशन है यहाँ से हमने उसे एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में ला के यहाँ पर मैंने ला के छोड़ा है इसे ये मैंने ऐसा क्यों किया है अब मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा जब हम थोड़ा इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी डिस्कस करेंगे इसके बाकी फीचर्स को डिस्कस करेंगे बट मेन आप लोग ये जो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर जो आज की गई हैं जस्ट गो थ्रू दैम वन डायमेंशनल केस से स्टार्ट कीजिए और फिर थ्री डायमेंशनल केस में मूव कीजिए एंड देन वी विल सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप एक बार इलेक्ट्रो में जो आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोनिमिक्स की बुक उठाइए उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहीं पर होगी उसको पढ़िए उसके साथ आपका कुछ कंजर्वेशन के से साथ उसे रिलेट किया होगा है ना और फ़्लो ऑफ करेंट वगैरह वगैरह से रिलेट किया होगा तो थोड़ा उसको आप पढ़िए तब आपके लिए इसका इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगा सो विद दैट आई विल एंड दिस लेक्चर फॉर नाउ